फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की इवनिंग अपडेट्स में हम बात करेंगे कि जो अभी शैक्षणिक योग्यता संबंधी जो अपडेशन हुआ है वो किस पर लागू है और किस पर नहीं है, इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी आज मिली है। आज क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, आज 5 तारीख है, तो एक जो कन्फ्यूजन चल रहा था वो काफ़ी हद तक दूर हुआ है। इसके अलावा एक दो खबरें और हम देखेंगे और मैं डिटेल में जाऊं। उससे पहले चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल पाएँ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहली जो खबर है वो है कि जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और आज 5 तारीख है, आज तो लगभग सारा काम ही कंप्लीट हो गया वेरिफिकेशन से रिलेटेड। लेकिन एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर शिक्षा विभाग की तरफ से कोई भी अपडेशन नहीं हुआ है, कोई भी शेड्यूल नहीं डाला गया है कि आगे का इनका कार्यक्रम क्या है, कब फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी और कब चयनितों को ज्वाइनिंग मिलेगी। इस तरह का कोई भी अपडेशन नहीं है एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर, तो इससे जो भी अभ्यर्थी हैं वो सभी व्यथित हैं और चिंता है उन्हें कि आगे का क्या। तो इसी से व्यथित होकर चयनितों की तरफ से अब कुछ ना कुछ प्रयास तेज होने की रणनीतियां बनने लगी हैं। जैसे एक आज न्यूज़ दी है कि ग्वालियर से साइकिल चलाकर भोपाल आएंगे चयनित शिक्षक, नियुक्ति ना मिलने से चयनित शिक्षक आक्रोशित। तो आक्रोशित होना तो स्वाभाविक है। तो इसमें क्या होगा कि ग्वालियर से चयनित साइकिल पर चलेंगे और रास्ते में जो भी शहर पड़ेंगे, कस्बे पड़ेंगे, वहाँ से लोग उनके साथ जुड़ते जाएंगे इस अभियान में। और ये तो हुआ नव चयनित। एक्चुअली दो संघ काम कर रहे हैं इस समय भर्ती से रिलेटेड, एक है नव चयनित शिक्षक संघ और एक है चयनित शिक्षक संघ। तो ये जो मुहिम है साइकिल वाली, ये नव चयनित शिक्षक संघ की तरफ से है और चयनित शिक्षक संघ भी कुछ ना कुछ रणनीति बना रहा है और वो क्या मुहिम लाने वाले हैं ये आने वाले कुछ दिनों में सभी को पता चल जाएगा। प्रयास दोनों का यही है कि कैसे भी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द मिले। तो इसी से रिलेटेड अब मुहिम का दौर शुरू होने जा रहा है। और दूसरा, जो कैंडिडेट्स को कन्फ्यूज़न था कि अभी एक अपडेशन हुआ था शैक्षणिक योग्यता अर्जन की डेट का, कि किस डेट तक की एजुकेशन क्वालिफिकेशन वैलिड मानी जाएगी इस शिक्षक भर्ती में, तो ट्राइबल विभाग में अपडेशन हो गया था कि 30 जून 2021 तक की डेट तक क्वालिफिकेशन अगर किसी कैंडिडेट ने कंप्लीट कर ली है तो उसे वैलिड माना जाएगा, जबकि डीपीआई में 2019 का ही है, दिसंबर 2019 का। ये आज अब लोगों को ये डर लग रहा था कि कहीं डीपीआई में भी तो ये लागू नहीं होगा, तो ये आज के वाक्य से ये चीज़ साबित हो गई है कि ये जो अपडेशन है वो सिर्फ ट्राइबल विभाग के लिए है, ना कि डीपीआई के लिए। क्योंकि एक वाक्या हुआ है कि आज जिला शिक्षा अधिकारी निवाड़ी के द्वारा डॉक्यूमेंट सत्यापन करने आए एक अभ्यर्थी को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उनकी शैक्षणिक योग्यता 2020 में कंप्लीट हुई थी। अभ्यर्थी ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी ने डीपीआई में बात की और डीपीआई ने कहा कि अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता 2019 की ही पूर्ण होनी चाहिए। मतलब डीपीआई शिक्षा विभाग ने जो डेडलाइन दी है दिसंबर 2019, तब तक किसी ने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ले ली है तो ही वो आगे के लिए पात्र है। वर्तमान में जो आदेश आया है शैक्षणिक योग्यता के संबंध में वह केवल ट्राइबल डिपार्टमेंट के लिए है। तो जो संशोधन हुआ है डेट का
वो सिर्फ ट्राइबल डिपार्टमेंट के लिए है, इस वाक्य से ये चीज़ साबित हो गई है। तो फ्रेंड्स, आज इवनिंग में मैं यही अपडेट्स थी आपके लिए, और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो कम्युनिटी पोल्स के थ्रू मैं आपको करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस डेली बेसिस पर देने वाला हूँ, तो आप सभी उससे जुड़िए। करंट अफेयर्स होंगे रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, इनसे रिलेटेड होंगे, जनरल नॉलेज बढ़ेगी और सामान्य ज्ञान अगर बढ़ता है तो इसमें नुकसान किसी का भी नहीं है। ज्ञान कहीं से भी मिले उसे ले लेना चाहिए। तो आप वेट करिए, मेरे डेली बेसिस सर मैं एक क्वेश्चन ज़रूर दूंगा, आप उसमें अपना मत भी रख सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, और हम जल्द मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। टेक केयर, थैंक यू सो मच।